ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाहर जो किसानों की महापंचायत चली है, अनिल तलान जी वहां पर पहुंचे हैं। इस चेहरे को जरा देखिए, ये वही चेहरा है जब दिल्ली की राजधानी के बॉर्डरों पे किसान बैठे हुए थे और किसी से उठाए नहीं उठ रहे थे। तब आंदोलन जो है अपने वीक पॉइंट पर पहुंचा था। तब अनिल तलान की वो हिम्मत थी कि उन्होंने आंदोलन को दोबारा जिंदा किया और फिर दोबारा से जिंदा करने के बाद अपनी मांगों को मनाया। अनिल जी, आज यहाँ पर आप पहुंचे हैं, मांगे तो बहुत दिन से की जा रही है लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, क्या इस आंदोलन के बाद में निष्कर्ष निकल पाएगा? देखिए, मांगे बहुत दिन से कही जा रही हैं। किसान के एक सब्र का बांध टूट गया है और जब किसान के सब्र का बांध टूटा है तो आप याद करिए, इस देश का इतिहास जब भी कभी बदला गया है वो किसान के माध्यम से बदला गया है। आज यहाँ पर हालात उस तरह के हैं कि किसान के उत्पाद की कीमतें एक लंबे समय से नहीं मिल रही थी, किसान उसको बर्दाश्त कर रहा था। आज उसकी ज़मीन को छीन कर ये सरकार जो उस पर व्यापार कर रही है उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर इस आंदोलन में सरकार ने इसका संज्ञान नहीं लिया तो सरकार अच्छी तरह से समझ ले, टप्पल और भट्टा पारसोल पर जो आंदोलन हुए हैं ज़मीनों को लेकर, उससे बड़ा आंदोलन होने वाला है। हमारी उनसे मांग यही है, और मांग नहीं, हम अधिकार है हमारा कि किसानों की जो ज़मीन है जब उसको छीना जा रहा है, किसान अपनी मर्जी से नहीं दे रहा है, तो उसकी कीमत किसान को मिलनी चाहिए। अच्छा, एक एक बात और, यहाँ पर आपके कितने दिन पड़ाव रहने वाला है, इसके बाद में फिर आपकी क्या तैयारी है? सुना जा रहा है कि आर पार की लड़ाई होगी और दोबारा आप राजधानी की कूच करेंगे। देखिए, संयुक्त मोर्चा का निर्णय है, अभी हमारा यहाँ पर पड़ाव है, जो अगला निर्णय होगा वो संयुक्त मोर्चा की मीटिंग में बैठने के बाद वो बता दिया जाएगा। अभी यहाँ पर पड़ाव है और हम सरकार से कह रहे हैं आपके माध्यम से कि सरकार किसानों की बात को सुनकर उसका समाधान करे, और अगर समाधान नहीं किया तो कहीं भी जाने के लिए हम स्वतंत्र होंगे और कोई कठोर कदम उठाया जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल तलान जी थे हमारे साथ में, बता रहे थे कि अगर किसी भी तरह से यहाँ पर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो फिर आगे का जो हदफ है वो तैयार किया जाएगा और आगे की रणनीति पर जो है बातचीत की जाएगी। किस तरह से बातचीत होगी वो तमाम जो है चीज़ें देखी जाएंगी। एक और मैं पीछे पर आपको विजुअल दिखाना चाहता हूँ, एक और संगठन का यहाँ पर आगमन हुआ है। लगातार किसान संगठन जो है वो अपने अपने झंडे और टोपियों के साथ में यहाँ पर आ रहे हैं। तकरीबन 10 से ज्यादा यहां पर किसान संगठन का जो है वो आगमन हो रहा है और अलग अलग लोग यहां पर किसानों के जो है इस मुद्दे को, इस लड़ाई को लड़ने के लिए यहां पर आ रहे हैं। राकेश टिकैत भी थोड़ी देर में आने वाले हैं और बाकी लोग भी यहां पर आने वाले हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से नोएडा के लिए अफी हिंदुस्तानी।